आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आ, मेरा जो मंथ में प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा प्लीज देखिए बिकॉज काफी लोग हैं जो इस जो मेरा ये पी एन एल स्टेटमेंट है इसको काफी लोग फेक भी बोलते हैं सो so, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फेक नहीं है एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पीएनएल स्टेटमेंट बताऊंगा एंड कुछ लोगों ने मुझे काफी फोटोज भी भेजी थी कि आपने जो जो पीएनएल दिया है एंड जो आपका ये वेरिफाइड पीएनएल है दिस इज फेक दिस इज वॉट दे हैव बीन टेलिंग ठीक है सो इसके बारे में भी आज आप लोगों को बताऊंगा एंड काफी लोग हैं जिन लोगों को शायद वेरीफाइड पी लिंक देखना नहीं आता है या फिर उनको ये पी स्टेटमेंट जो होती है रिपोर्ट जीरोधा में वो देखनी नहीं आती है सो so, वो भी मैं बताऊंगा एंड उन सब के बाद आई विल शो यू कि मेरा सेप्टेम्बर का प्रॉफिट क्या हुआ है एंड जो ये इस दिन मैंने इतना बड़ा लॉस किया था वट वॉज द रीजन बिहाइंड इट हाउ द लॉस हैड है ठीक है स्टिल इन द मंथ एंड आई मेड अ गुड डिसेंट प्रॉफिट ठीक है सो मैं आप लोगों को एक चीज पहले बता देता हूँ जो लोग इस साइट को फेक बता रहे हैं सबसे पहले तो आप ये लोग ये देखिए ये होता है एस सर्टिफिकेट दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट यानी कि ये जीरोधा की जो साइट है दिस इज ऑरिजिनल साइट अब अगर कोई बोलता है कि भाई ये तो फेक है तो जो भी फेक साइट आपने नोटिस करिए या जो जो भी फेक साइट आपने देखी है पहले आप उसमें देखिए कि उसके पास ये सिक्योर्ड एनक्रिप्शन है या नहीं है और अगर है तो आप प्लीज उसका एक वीडियो बनाकर जीरोधा को बता दीजिए कि एक और ऐसी साइट है है जिसके पास एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट uh, भी एंड उसके बाद भी वो फेक है ठीक है जीरोधा विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली आई गारंटी इट ठीक है सो so आप प्लीज अगर आप आपको लगता है कि दिस इज अ फेक वेबसाइट एंड ये एस एस एल सिक्योरिटी एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट गलत है एंड इट इज अ रूस सो आप इसका जीरोधा को कंप्लेन्ट कर दीजिए ठीक है दे विल गिव आंसर टू दैट ठीक है सर सो so, अब नेक्स्ट चीज आती है नेक्स्ट चीज आती है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई आपका ये था पीएनएल उसके बाद आपका पीएनएल ऐसे कैसे हो गया यहां पर ये रेड थे ग्रीन कैसे हो गए ये वाला रेड था ये वाला रेड था तीन जुलाई का ये छह मार्च का रेड था ये जब ऐसे हुआ चेंज कैसे हो गए तो सर ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो होता है ये होता है व्यू ओवर फॉर फैच्ड पीरियड मेरा एक साल का पीरियड है फ्रॉम फर्स्ट पर आप देखोगे मेरा एक लॉस दिखा रहा है दो लॉस दिखा रहा है तीन लॉस दिखा रहा है चार लॉस दिखा रहा है ये दिखा रहा रहा है है ये दिखा रहा है। बट जब मैं इसको ईयर ओवर रिव्यू पर कन्वर्ट करूंगा तो मेरा ये लॉस जो है ये कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में इसका रीजन ये है कि इस दिन जो है मैंने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया है बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग कि जो मेरी जीरो लॉस स्ट्रेटजीज है उसमें काफी सारी स्ट्रेटजीज कवर होती हैं जैसे कि स्ट्रैडल आता है आई डू स्ट्रैडल अ लॉट ऑफ I do a lot of strangle. इसके बाद कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ ठीक है इसके बाद मैं ratio spread बनाता हूं और इन सब के बाद मैं बनाता हूं सबसे ज्यादा कवर्ड कॉल ये कवर्ड कॉल में क्यों बनाता हूं इसका सिर्फ एक सिंपल रीजन आप ये समझ लीजिए कवर्ड कॉल में मैं एफ एन ओ में लॉस बुक करना चाहता हूं और इसी लॉस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं ऐसा मैं किस लिए करता हूं ये मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जस्ट एक सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं आई डू इट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन पर्पसेस ठीक है नाउ वाई आई डू इट प्लीज गो एंड रीड टैक्सेशन पार्ट कि एफ एन ओ किस में काउंट होता है एस टी सीजी किसमें काउंट होता है एल टी सी जी किसमें काउंट होता है इन सबके बारे में पढ़िए यू विल रियलाइज दिस थिंग आई डोंट वांट टू इन टू इट ओके सो दिस इज द थिंग अब आप बोलेंगे ये देखो इस दिन भी लॉस था ये क्या है

तो आई कैरी फॉरवर्ड अगर मुझे लॉस है तो ये इन मनी चला जाएगा इन मनी चला जाएगा तो इसके बढ़ने के चांसेस so, मुझे loss होगा। so, मेरा main purpose होता है FNO में loss करना and उस loss को equity में कन्वर्ट कर देना ठीक है? This is what my main purpose is, ताकि मेरा at the end of the year, FNO का प्रॉफिट जो है थोड़ा कम हो जाए और एफ एन से प्रॉफिट जो है निकलकर मेरा इक्विटी सेगमेंट में चला जाए ठीक है मैं ही नहीं करता देर आर एन नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो ये चीज करते हैं सब करते हैं एवरीबडी दैट इट्स जस्ट दैट आप लोगों को नहीं पता है दैट्स इट काफी लोगों को पता है मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में रहते हैं दे नो एवरीथिंग आई टेल देम ईच एंड एवरी डे वॉट आई हैव डन एंड आई हैव डन इन फैक्ट ये जो दिन था मेरा दिस डे दिस डे दिस डे आई हैव डन द सेम थिंग आई हैव कन्वर्टेड माई एफ एनो प्रॉफिट इंटू इक्विटी प्रॉफिट ठीक है पीपल विल से अरे इसको तो लॉस हो गया अरे दादा आई हैव मेड अ ह्यूज प्रॉफिट ठीक है सो so, मैंने सिर्फ अपना एफ एन ओ को प्रॉफिट बुक कराया उस लॉस को मैंने इक्विटी में कन्वर्ट कराया विद द हेल्प ऑफ वॉट विद द हेल्प ऑफ कवर्ड कॉल दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड इस दिन का आप मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट चैनल है उस पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा सो यू विल रियलाइज की येस आई हैव डन द सेम थिंग सो अभी आते हैं आगे पे देन ये वाला हो गया ये वाला हो गया ये वाला अब पीपल आर सेइंग कि 6 मार्च को भी काफी लोगों ने कमेंट करा 6 मार्च को लॉस था देन जब ईयर ओवर पे गए तो 6 मार्च को प्रॉफिट हो गया देखो दिस इज फेक मैंने साबित कर दिया अरे यार देख लो ना एक बार कवर्ड कॉल है आई हैव कन्वर्टेड माई एफ एन ओ का लॉस इंटू इक्विटी प्रॉफिट दिस इज वॉट आई हैव बीन डूइंग आप लोग कवर्ड कॉल करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा जो भी ट्रेडर है उनको पता है वॉट आई हैव डन ठीक है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है व्हाट कसम खाई है अपने वीडियो में डाला है इस वेरीफाइड पी में काफी लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे ना फोटो खींच खींच कर भेजे हैं कि लुक एट दिस दीज वर द लॉसेज एंड जब आपका पीएनएल कंसोल आया तो यहां पर रेड ग्रीन हो गया सो इट मीन यू आर फेक आप मुझे पैसे देंगे आप मुझे पैसे दे दो अरे आप लोग पहले उसको पढ़ तो लो उसको देख तो लो क्या है वो इकतीस मई कितना लॉस है सेवन से दस अप्रैल कितना बाईस मार्च कितना लॉस है सेवन रुपीज सताइस जैन टू फोर्टी एट एक एक करके जाते हैं सबसे पहले थर्टी फर्स्ट में सबसे पहले तो आप ये लोग पढ़िए यहां पर मैंने क्या लिखा है I have said only one day loss. Rest four are charges deducted. Total four hundred. Where I did not book to profits but took trades. I have given this statement well in advance because मुझे पता था आप लोग कुछ ना कुछ करके निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है? So let's go. ये है आपका thirty first में का seventy seven rupees का loss. Thirty first में

10th April, 32 rupees का loss. Okay. 10th April, where is 10th April? Yes. 10th April में यहाँ पर profit दिखा रहा है, because I booked only 370 rupees का profit. मैंने merely अपनी position shift करी है. So इसका मतलब उस दिन मेरे जो charges लगे हैं trade के, वो ज़्यादा हैं, rather than my profit booked. So that is why यहाँ पर बत्तीस रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहा है सो so, अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट जब भी मैं पोजीशन शिफ्ट करूं तो इस चीज का ध्यान दूं कि चार सौ रुपए का तो प्रॉफिट कर लूं ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो ठीक है नेक्स्ट मार्च का लॉस लॉस ये लौस है क्या सर बाइस मार्च का है ये देखिए बाइस मार्च ये देखिए इक्कीस मार्च को आई है ट्रेड लिया है मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा दैट इज वाई द लॉस इज देयर 22 मार्च का क्लियर हो गया जनवरी, जनवरी जनवरी, जनवरी, का का लॉस, 27 27 मैंने सिर्फ अपनी शिफ्ट करी प्रॉफिट आया, जब हम ईयर ओवरव्यू में जाते हैं uh, this is combined, realized. तो रियलाइज प्रॉफिट में इट इज शोइंग दिस इज देखिए लिखा है ग्रॉस रियलाइज पीएनएल ऑन सत्ताइस जैन इस टू एट्टी एट मैंने बुक करा है लेकिन जितना मैंने प्रॉफिट बुक करा जब मैंने पोजीशन शिफ्ट करी उससे ज्यादा मेरे चार्जेस कट गए दो सौ इसलिए यहां लाल दिखा रहा है ठीक है सर तो मेरे चार्जेस चार्जेसो रुपए कटे होंगे उसमें से 8, मैंने यहां पर प्रॉफिट बुक कराया टू एंड बाकी जो बचा वो मेरा यहाँ लॉस में आ गया अब लोग फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं ये लॉस है ये लॉस है ये लॉस है ये लॉस है एंड देन फिर यहां की फोटो खींच के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं देखो ये प्रॉफिट ये इसका मतलब फेक हो गया फेक हो गया पढ़ तो लो यार पढ़ तो लो आंख बंद करके फेक साबित करने की कोशिश मत करिए जो चीज गलत है वो गलत है जो चीज सही है उसको तो एक्सेप्ट करो एक दिन का लॉस है उनतीस हजार चाहता तो इस दिन भी लॉस आप लोग बोले कि भाई उसने इक्विटी बेच दी अरे तो इस दिन भी तो बेच सकता था आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो यू विल रियलाइज यस आई हैव हैव आई इनफ टू मेक गुड ऑफ दिस अमाउंट बट नो वाई बिकॉज लॉस इज अ लॉस वाई डू इट दिस इज नॉट कवर्ड कॉल वॉट इज दिस डेट आप देखिए 29331 का लॉस है जनवरी 10 को यहां कितना लॉस है 28410 तो यहां पर 29000 क्यों है 321 बिकॉज़ सर ये चार्जेस कैलकुलेट करके आपको बताता है जो वेरीफाइड पीएनएल होता है इतना तो दिमाग लगाइए कि 10 जनवरी को 29331 लॉस इसमें दिखा रहा है ठीक है और यहां पर 28000 दिखा रहा है 10 जनवरी को तो ये भी फेक हो गया क्या

मैंने अपने काफी सारे उसमें पोर्टफोलियो uh, मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट चैनल है मैं है yes, मैं चैनल में सिर्फ ये बोलता हूँ कि आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस आई डू नॉट रिकमेंड की आप लोग भी इन्वेस्ट करिए सो जस्ट टू टेल यू दैट आई एम नॉट फेक आई एम नॉट फेकिंग एनीथिंग आई एम इन्वेस्टिंग वॉट आई एम रिप्रेजेंटिंग सो वो इन्वेस्टमेंट ही अगर मैं बुक कर लू तो मेरा तो डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें बट इट्स नॉट दैट वे सेम गोज दिस वे बट लॉस इज अ लॉस यस आज की डेट में अगर मैंने 300 नॉट 300 हंड्रेड बेबी दो या ढाई ट्रेडिंग सेशन में अगर दो लॉस हैं मेंफिशियंसी इज स्टिली नाइन परसेंट आप मेरा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मैंने यूट्यूब uh, पर डाला उस है उसमें देखिए आई हैव हैचीव नाइन नाइन परसेंट एफिशियंसीट दिस इज जीरो लेस स्ट्रेटेजी बिकॉज नाइन परसेंट एबिलिटी टू एक्ट में चला जाता है एंड दीज आर दर मैंने एबिलिटी टू एक्ट वाले में मैंने है। ठीक है? So, मैं अब आप लोगों को यह चीज कवर हो गया नाउ आई बिलीव जिन लोगों को वेरीफाइड पी एन एल और ये जीरोधा का पी एन एल देखना नहीं आता है उन लोगों को अब समझ में आ जाएगा अब आप प्लीज इसको दोबारा से अपने फ्री टाइम में मैच कर लीजिए एंड टेल मी अगर अभी भी आपको फेक लगता है

ज दाइम वेयर आई वॉज होल्डिंग अ पोजिशन नाइन थाउजेंड के आसपास पोजिशन चल रही थी एंड मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है दोनों के दोनों सबड्यूड थे बैंक निफ्टी जो है वो अपना चवालीस पांच सौ के नीचे था एंड चवालीस पांच सौ चवालीस तीन सौ अस्सी के आसपास ये ट्रेड कर रहा था एंड चवालीस पांच सौ जो है वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ठीक है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी वॉज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो नाइनटीन फाइव हंड्रेड आई गेस ंड्रेड के बिलो ट्रेड कर रहा था एंड नाइन फाइव हंड्रेड याड आई डोट बिलो मेजर रेजिस्टेंस लेवल मिड कैप निफ्टी वॉज एट नाइन थाउजेंड एंड ऑन मंडे को मैं मिड कैप निफ्टी में कई बार ट्रेड करता हूँ जब भी मुझे अच्छा ट्रेड मिलता है मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है ठीक है सो माई डेटा My data has been telling me ki there is a there is a good risk reward ratio because nifty ke, ye, mid midcap nifty ke upor, bahut sara resistance hai. there was a huge resistance at 9025. There was a huge resistance level. This area 9040, and there was a huge resistance level at 9050. So these were the levels, and there was a huge support level at 8970.

वन लाख के आसपास वन लाख से ज्यादा uh, नहीं लेता हूं और ये एस हिट होने के चांसेस क्या है 360 360 so, इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं ना भाई आई नो कि मेरा ऑप्शन सेलिंग दिस इज माई वन परसेंट ऑफ माई कैपिटल इज लॉस बिकॉज ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है बट आई नो नाइनटी नाइन ऑफ टाइम्स आई प्रॉफिटेबल ओनली वन बी इन लॉस

मार्केट ने यहां पर बनाया था तब मैंने एग्जीक्यूट किया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट नहीं जाने वाला किसी भी हाल में सो एट इलेवन फोर्टी फाइव ट्रेड लेने के बाद इलेवन फोर्टी फाइव और इलेवन फोर्टी के आसपास आई वेंट समवेयर बिकॉज आई वॉज बिजी दैट डे तो मैं थोड़ी देर के लिए पंद्रह बीस मिनट के लिए मैं चला गया कहीं पर ठीक है अगर मैं मार्केट में होता आई वुड है माई एस एल मोर देन एटी थाउजेंड और वन लैख रुपीज नाउ जस्ट सी फोर्टी फाइव मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर इलेवन ट्वेंटी फाइव या थर्टी के आसपास यस बिकॉज इट वॉज होल्डिंग एट दिसरेज विच इज माई क्राइटेरिया सो इलेवन फोर्टी के आसपास आई वेंट फॉर समथिंग एंड विद इन फ्यू मिनट ट्वेल्व विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट दिस हैिवन अः ऑलमोस्ट एक परसेंट का राइस इसने फिफ्टीन मिनट्स में दे दिया एंड जब मैं वापिस आया द मार्केट वॉज हेयर nine zero eight one it has crossed all my levels and I had already gone a loss into more than two lakhs loss already so it was very unfortunate on my part that I could not see market live while I was making this loss because the movement was too sharp and this movement came because there was a news floated on that day.

कि आई वेंट फॉर समथिंग आई वॉज बिजी दैट डे फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में दिस एंटायर गेम केम एंड आई मेड अ लॉस अदरवाइज यस माई लॉस वुड हैव नॉट मोर देन इज और मैक्स है इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं जाने देता आई वुड हैव एग्जिटेड मैं सिस्टम में एक्सपायरी वाले दिन ये अपनी कॉल्स में लॉस नहीं लगाता हूँ इसका रीजन ये है बिकॉज मिड कैप निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है ये क्विकली वॉलेटिलिटी में जाके ऊपर एसएल खाकर वापस नीचे आ जाएगा ठीक है अगर 10 पॉइंट भी मिड कैप निफ्टी बढ़ता है देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो इन द मनी कॉल्स होते हैं वो इजीली 10 से पंद्रह प्रीमियम बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑन एक्सपायरी वेगा गेट्स एक्टिवेटेड एंड इस दिन ऑलरेडी तीन परसेंट मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो मेरे हिसाब से बहुत नेग्लिजिबल थे सो so जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट जो है वन आउट ऑफ फाइव टाइम्स ऐसे जाएगा एंड ऑप्शन सेलर को लॉस होगा एंड दैट वॉज द डे विच आई मेड अ लॉस Yes, I was unfortunate. I was not in live market, so I could not control this loss. 15 minutes, me, I came and 15 minutes, me, usne tabahi machadi mid cap nifty, mein. and my loss exponentially zada ho gaya. But the main part is that jo ye my loss hua tha, this loss should have never gone from my capital. Otherwise ये तो पाप हो जाता कि मेरे कैपिटल से कैसे चला गया This loss had gone from my profit ओनली

ठीक है आप रॉन्ग भी हो सकते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर येंटल्स शुड नॉट बी यू शुड शुड नेवर बी रॉन्ग बिकॉज अगर आपके फंडामेंटल रॉन्ग हो गए इसका मतलब आपने मार्केट में गलती करी है मैंने गलती नहीं करी थी मार्केट मार्केट ने स्पाइक ऐसा मारा कि आई कुड नॉट कंट्रोल इट एंड आई वॉज नॉट इन लाइव मार्केट सो इट जस्ट हैपंड ठीक है सो आई गॉट अ लर्निंग दैट डे कि यस yes, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो आई हैव टू बी इन लाइव मार्केट बट देर आर सर्टेन थिंग्स कभी कभी हो जाता है यू हैव टू लीव मार्केट फॉर टेन फिफ्टीन मिनट्स आधे घंटे के लिए भी कई बार छोड़ना पड़ता है एंड विद इन रिसेंट टाइम्स देर हैव बीन डेज जहां पर कि मैंने शायद पूरे पूरे दिन भी ट्रेडिंग नहीं करी है देर आर समाइम्स जब मैं कभी कभी बिजी हो जाता हूँ सो इट हैपन्स फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के लिए एंड दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स कम सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हाईली अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन सेलर सर जब भी कभी प्रॉफिट बना लॉस कमाता है ना वो ऐसी लॉस uh, देता है. 90 time, ठीक है? 99 जो मेरी है मैंने वो एफिशियंसी के हिसाब से आप लोगों को बताया कि नाइनटी नाइन परसेंट आई वॉज इन प्रॉफिट दिस इज दी ओनली डे विच आई वॉज इन लॉस एंड यस इसमें से थोड़ा जो आधा से ज्यादा लॉस है वो मेरी गलती की वजह से बिकॉज आई वॉज नॉट इन मार्केट

मेरे कैपिटल में जा चुका है सुम ना मैंने पिछले महीने के प्रॉफिट से दिया है इस महीने का मेरा प्रॉफिट है अभी भी मेरा प्रॉफिट मोर देन टू लाख रुपीज है इज मोर देन ऑफ कैपिटल सो इस महीने अगर मैंने 3 या 4%, जो मेरा टारगेट रहता है मिनिमम थ्री परसेंट अगर मैंने नहीं कमाया मेरा एक लॉस हो गया स्टिल आई एम होल्डिंग टू परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ माई कैपिटल मोर देन टू पॉइंट टू परसेंट इनफैक्ट टू पॉइंट थ्री या टू पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास है इनफ दिस इज इनफ फॉर मी ठीक है मैं इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहता ठीक है बट यस जो ये गलती हुई मुझसे इससे मैंने सीख ली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं लाइव मार्केट में जब भी कोई पोजीशन लेता हूं आई शुड लुक टू इट या फिर मैं अपना एसेल लगा कर जाऊं तो जैसे ही मैं मार्केट में आऊंगा मैं अपना एसेल हटा दूंगा एंड देन मैनोली आई एल एक्सेड ठीक है सो आई वॉज अनफॉर्चुनेट दैट डे की इंस्टेड ऑफ एटी थाउजेंड या वन लैक का लॉस आई हैड टू बियर लॉस जस्ट बिकॉज आई नॉट इन मार्केट एट दैट ट्वेंटी मिनट जितने पंद्रह बीस मिनट में uh, मामला खराब हुआ एंड बिलीव यू मी मार्केट नॉर्मल सर्कमस्टिस में कभी ऐसा राइज नहीं देता है ठीक है मिड कैप निफ्टी नाइन थाउजेंड से लेकर नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड हंड्रेड पॉइंट का राइज यानी कि मोर देन वन परसेंट मोर देन वन परसेंट का राइज विद इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट कभी नहीं देता इट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूज बेस्ड सो न्यूज बेस्ड अगर हो रहा है तो न्यूज बेस्ड में विद इन लाइव मार्केट अगर कोई न्यूज आ रही है तो उसको संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है वेन यू आर इन अ रिस्की कॉल्स लाइक दिस ठीक है सो आई वॉज इन अ रिस्की कॉल न्यूज आई इट टुक माई एस एल एंड इनफैक्ट इट टुक मोर देन माई एस एल बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ना कि न्यूज आ जाएगी न्यूज तो कभी भी आई बैंक निफ्टी ऑल्सो स्पाइक दैट डे इन एनी केस सो आप कभी अगर देखेंगे तो आप चार्ट भी देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेगा आप निफ्टी का चार्ट भी देखिएगा ठीक है ये देखिए दिस वॉज बैंक निफ्टी का चार्ट look at this what is this this was 44 400 44 500 I told you this was a strong resistance level it crossed resistance level within half an hour 20 25 minutes 44 800 900 it gave more than 400 points per move within 20 to 25 minutes or 30 minutes Max so how can you predict these kind of moves

आप लोग कह रहे हैं कि इतना लॉस तो आपने उठाया इतना प्रॉफिट तो आपने कभी नहीं कमाया ये क्या है फिर आई हैव अर्न द प्रॉफिट ऑल्सो ना साल में अगर एक दिन में इतना प्रॉफिट ले सकता हूं तो साल में एक दिन में इतना लॉस भी ले सकता हूं आई एम नॉट परटर्बड बाई दिस लॉस वाई बिकॉज दिस लॉस हैज गॉन फ्रॉम माई प्रॉफिट दिस लॉस हैज गॉन फ्रॉम माई प्रॉफिट आई स्टिल एम इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन टू पॉइंट मोर देन टू या टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ माई कैपिटल तो कमाया एटलीस्ट आई एम इन जो लॉस हुआ है, वो मेरे, capital से नहीं गया एसेट से नहीं गया वो मेरे प्रॉफिट से गया दैट इज वॉट माई रिस्क मैनेजमेंट इज ठीक है सर दिस इज माई रिस्क मैनेजमेंट एंड बिलीव यू मी फॉर मी आई एम स्टिल नाइनटी नाइन परसेंट इन है। कि के तो कलर है। अरे कलर तो सेम होगी आपको कितने ग्रीन पता है एक लाइट ग्रीन एक नॉर्मल ग्रीन एक डार्क ग्रीन तो यही तीन तो होंगे इसके अलावा और कितने ग्रीन होंगे दीज आर मोर टू हंड्रेड मोर देन टू हंड्रेड डेज ऑफ ट्रेडिंग सेशन सो so, कितने टाइप के ग्रीन लेके के हूं? ठीक है एंड इसको और इसको जब आप मिलाते हैं तो आई होप आप लोगों को रिपोर्ट्स में जाके पीएनएल में ये वाला क्या होता है व्यू फॉर पीरियड एंड ईयर क्या होता है आई होप आप लो, आप लोगों को ये क्लैरिटी आ गई होगी एक्चुअली मिस्टेक इज माइंड मैंने आप लोगों को पहले क्लैरिटी नहीं दी सो दैट इफ यू आर अ लेमेन यू शुड नो हाउ टू सी दिस ट्रेडिंग डेटा ठीक है एंड आफ्टर दैट वेरीफाइड पी एन एल ऑल्सो ठीक है सर सो दिस इज द वेरीफाइड पी जिसमें ये जो चार लोग काफी सारे लोग मुझे फोटो खींच खींच के इनफैक्ट मेरे पास एक फोटो आया जिसमें लोगों ने बताया कि सर आपका ये वाला फोटो इस तरह से इस तरह से राउंड करके तब आई केम टू नो इस तरह से राउंड करके राउंड करके अलोंग विद दिस यहां पर राउंड करके काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स में एंड काफी सारे इंस्टाग्राम चैनल्स में ये रोटेट हो रहा है एंड पीपल हैव बीन रिकमेंडिंग एवरीवन टू कंप्लेन्ट अगेंस्ट मी बिकॉज आई एम टेलिंग दिस फेक अरे जहां कंप्लेट करोगे ना लोग आपके ऊपर हंसेंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई पहले वेरीफाइड पीएनएल देखना सीख ठीक है वेरीफाइड पीएनएल देखना सीख जो भी कंप्लेट के बारे में बिकॉज गॉट दो स्क्रीन शॉट ठीक है आई नो तो पहले तो बोलेंगे पहले तो वेरीफाइड पी एन एल देखना सीख आप फेक क्या साबित करेंगे यह साबित करेंगे फेक जीरोधा को बताओ जीरोधा विल टेल यू ये साबित करेंगे जीरोधा को बताओ जीरोधा विल टेल यू भैया दिस इज वेरीफाइड पीएनएल ठीक है दोबारा बता रहा हूं ये देख लो सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन है ठीक है एसएसएल सर्टिफिकेट है अगर कोई फेक वेबसाइट के पास ये है तो सर उसका वीडियो बनाकर जीरोधा को टैग कर दो जीरोधा को मेल लिख दो यू विल बी रिवॉर्डेड हैंडसमली आई एम रिपीटिंग इट ठीक है लेकिन भगवान के लिए इन चीजों में अननेसेसरी बैड नेम मत फैलाओ या बैड नेम अपना मत करो जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सी वेरीफाइड पी एन एल इट डीन दट एवरीबडी डालेंगे आप ही की बेजती होगी पीपल विल टेल पीपलएल ये लॉस है सतहत्तर रुपए बत्तीस रुपए पचहत्तर रुपए एंड दो सौ अड़तालीस रुपए अरे इस दिन तो मैं अपना एक सिंगल क्वांटिटी भी इक्विटी का बेच दूंगा तो भी मुझे प्रॉफिट हो जाता ठीक है सर सो so, फेक नहीं है सच है ठीक है सो so, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड सर एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अपग्रेड uh, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब uh, नहीं किया है ट्रेडिंग सीक्रेट सो प्लीज सब्सक्राइब इट बिकॉज उसमें मैं लाइव मार्केट जो अपडेट्स होते हैं वो मैं बताता हूँ एंड आई टेल यू मैनी लाइव अपडेट्स एज वेल सो इफ यू हैव नॉट अप्राइब इट प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लीज कमेंट एंड आई वुड लाइक टू सी आप लोग या एंड बिफोर आई साइन ऑफ आई रियली वु लाइक टू नो कि आई एम प्लानिंग की मैं आप लोगों को एक uh, अपनी एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग या फिर एक अपनी कोई टीचिंग की रिकॉर्डिंग करूँ आई होप मैनी ऑफ पीपल नोज अबाउट मार्केट सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कोई सब्जेक्ट के बारे में बताऊं ये सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ये डाल दीजिए कि विथ सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू लर्न विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग अगर आप ये चीज मुझे बता देंगे कि विद्जेक्ट यू वॉन्ट टू लर्न इट विल हेल्प मी की जितने ज्यादा मैसेजेस आएंगे ऑन दिस रेलिवेंट सब्जेक्टेक्ट ठीक है सर सो आई हमली रिक्वेस्ट की आप जो भी वीडियोज देख रहे हैं एंड जो आप मेरे से सीखते हैं जो आप सीखना चाहते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट बताएं कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर एक क्लास लूँ बिकॉज काफी लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो लोग काफी दिक्कत महसूस करते हैं

कवर करूंगा ठीक है सर सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप कि आप लोगों को एटलीस्ट अब शायद मेरे ऊपर ज्यादा क्लैरिटी देने के बाद आप लोगों को थोड़ा और भरोसा हुआ होगा एंड माई रिस्क मैनेजमेंट इज वॉट आई हैव टोल्ड यू दिस इज माई रिस्क मैनेजमेंट दिस इज आई आउ कंट्रोल माई लॉसेज एंड आई मे बी रॉन्ग एंड यस आई एम रॉन्ग काफी काफी टाइम्स मैं गलत होता हूँ बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट एवर लॉस आई एम मेकिंग इन दैट डे

Okay, sir. So, thank you very much, sir, and uh, have a good day. Thank you.